जल्दी चल सयोनी, 10 मिनट में निकलना है यहाँ से। विकास जी मेरी बात सुनिए प्लीज। देख मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, अब मेरे इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। अरे अजीब परिवार है तुम लोगों का यार, एक तो मेरे पार्टनर की मौत हो गई, ऊपर से मुझे दिलासा देने की बजाय वो मेरे गिरबान पे हाथ डाल रहा है। क्या समझता क्या अपने आप को वो? प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है विकास जी। देखिए मैं औरतों से झगड़ा नहीं करना चाहता, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहां से चली जाए। आपके पार्टनर अब और क्या करने का इरादा तुम्हारा? एक मिनट, तुम कुछ कह रही थी? हाँ हाँ मैं, विकास जी आप प्लीज इसकी बात मत सुनिए, कुछ भी बोलती है। मेरी बात करनी बहुत जरूरी है विकास जी, मैं जरूरी ये है परिधि कि तुम हमारे घर के मैटर में इन्वॉल्व मत हो, हम खुद संभाल लेंगे अपने घर को, प्लीज जाओ यहाँ से। विल यू प्लीज स्टॉप इट, आप लोग प्लीज ये सारा तमाशा घर से बाहर जाके कीजिए। ये सयोनी कहाँ रह गई? देखिए आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, चल सयोनी। देख लिया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, चाचा जी प्लीज रोकिए ना उन्हें। विकास जी, विकास जी सुनिए, सयोनी सयोनी दरवाजा खोल, सयोनी सयोनी दरवाजा खोल, सयोनी विकास जी भैया मैं विक्रांत के साथ जा रही हूं, मैं उससे शादी करना चाहती, हमें शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। विक्रांत का बेटा मेरी बहन को लेकर भाग के, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विकास जी देखिए, विकास जी देखिए, सयोनी सयोनी कहाँ है? मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो नहीं भाग सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब आपके बेटे का किया था, उसी ने उकसाया होगा मेरी बहन को। विकास जी आप अपनी हद पार कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपके साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें गलत ठहराए, हम पर इल्जाम लगाए। और एक बात याद रखिएगा, हमारा बेटा विक्रांत ऐसा लड़का नहीं है जो किसी की बहन को उकसाए और भगा के ले जाए। भरत जी सही कह रहे हैं, मैंने देखा है सयोनी को चुपके चुपके विक्रांत से मिलते हुए, हमारा विक्रांत तो भोला है। देखिए प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग सब, किसने क्या किया, किसकी क्या गलती है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी उन दोनों का ढूंढना बहुत जरूरी है। आप लोग बस दुआ कीजिए कि आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा किया भी होगा ना, मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा अपनी बहन को विधवा करने से। विकास जी आप ऐसा कुछ नहीं करिएगा प्लीज। इंस्पेक्टर आप कैसे कह सकते हैं सयोनी अपनी मर्जी से भागी और आप उसे ढूंढ नहीं सकते? मैं आपको कह रहा हूं ना उसका किडनैप हुआ है। इंस्पेक्टर आई एम वार्निंग यू, आप उसे ढूंढिए वरना मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा, समझे? सयोनी का फोन, सयोनी कहाँ है तू? हेलो हेलो भैया प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं विक्रांत के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं बस उससे शादी करने के लिए आई हूँ। आई जस्ट होप आप समझेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। भैया मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, ट्रस्ट मी। सयोनी मैंने कहा वेयर आर यू? आई एम सॉरी भैया बट मैं आपको नहीं बता सकती, मैं आपको बताऊंगी और आप घर में सबको बता देंगे और फिर सारे के सारे मिलकर हम दोनों को अलग कर देंगे। मैं अब शादी करने के बाद ही घर वापस आऊंगी। लिसन सयोनी तू जस्ट बता मुझे कहाँ है। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूंगा, बता कहाँ है तू? भैया मैं पहाड़ी वाली मंदिर के पास हूँ। ठीक है मैं अभी आया। अरे तू रो क्यों रही है पगली? तू जानती है ना मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि विकास को ये बता सकूं मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए तो तुझसे चिट्ठी लिखवाई थी ताकि तू भाग सके। इधर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भैया ने अगर देख लिया ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे, प्लीज जाइए। अरे पगली अभी तक मुझे नहीं पहचानी। मैं जॉली,
राज भी नहीं। मैं भाईजान से रखती हूँ, मैं तुझसे ही मिलने आऊँ पगली। लेकिन आप मर गया। एक बात बता, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो एक काम कर, एक लेटर लिख और चल मेरे साथ। मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊं। सब कुछ बहुत बिगड़ चुका है, मैं सब कुछ ठीक करने आऊं, सब कुछ। अभी चल मेरे साथ। यही सब तो बताने आया था मैं। वो संतोष और कुणाल ने ना विकास के दिमाग में कुछ ज्यादा ही जहर भर दिया और अब वो भाग गए, डर के भाग गए। पर तू देखना, जब मैं विकास को बताऊंगा ना तो वो समझ जाएगा। अगर ऐसे ही आ जाता ना तो वो कुछ नहीं समझ। एक बार ये सब क्लियर हो जाए ना तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। बहुत प्यार करती है ना विक्रांत से, तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगा तेरी शादी। पर भाईजान प्रॉमिस कीजिए आप, भैया को कुछ करोगे तो नहीं ना? करूंगा ना। अरे पगली डर मत, सब कुछ क्लियर करूंगा। मेरी कसम खाइए और कहिए, आप भैया के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। तेरी कसम। तेरी कसम, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं तो बस उसकी जान लूंगा। अरे विक्रांत, तू ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे? आज पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ था ये नहीं पता। कोई बात नहीं, थकान बहुत ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए बेहोश हो गया होगा। टेंशन मत ले, सब ठीक है भाई। आर यू श्योर हम जो कर रहे हैं वो सही तो है ना? ऑफ कोर्स ठीक कर रहे हैं, तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, कुछ गलत थोड़ी करवा रहा हूँ। बस अब शुभ मुहूर्त का इंतजार है। यू इडियट, तेरी इतनी हिम्मत है? वाह कमाल है यार तू। गलतियां तूने की है और इडियट मैं। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं नहीं, तू कर रहा है। तू कर रहा है, क्या किया तूने? क्या किया तूने? हाँ कंपनी तेरी थी लेकिन आइडिया तो मेरा था। मुझे मेरी कंपनी से बाहर निकलवा दिया तूने। उसके बाद क्या किया? कुणाल की बातों में आ गया, बातों में आ गया और मुझे छोड़ने दिया। और जब मुझे दोबारा जेल हुई तो मेरे लिए एक अच्छा वकील तक नहीं किया। वाह वाह। और मैं इडियट। जॉली जॉली। हाँ जॉली जॉली। तू तो हाँ मर गया था। मैं मर गया था मैं, लेकिन मैं तुम चारों के लिए वापस आया। वापस आए, तीन को तो मौत के घाट उतार चुका हूँ। तेरी बारी, तेरी बारी। जानता है मुझे यहाँ तक कौन लेके आया? उस बेचारी को तो ये तक नहीं पता के मैं मर चुका। बहुत प्यार करती है तुझसे, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। सॉरी, तो कुछ भी हुआ मेरा कोई हाथ नहीं था, सब तेरे कर्मों का फल था। जॉली जॉली, उस मासूम लड़की की जान लेने वाला तुझ। ये बातें मैंने सयोनी को बताई तक नहीं। जॉली, अगर मैं उसको बता देता तो तुम उससे नफरत करती। जॉली चुप कर। भैया भैया सोना सोना, मेरे पास बताना, बात बताना। मुझे मेरे कर्मों का फल मिला, आज तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। नहीं फल नहीं दादा। कहां भागे जा रहे? रुक भैया, भैया भैया रुक जाइए, रुकिए प्लीज। भाग। तू मुझसे भागने वाला था ना विकास? आज तेरी मौत तेरे सामने आई है विकास, आज तू मुझसे नहीं भाग सकता। भाग सकता तो भाग। 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 जितना भागेगा उतना ही तो मजा आएगा तुझे मौत देने में विकास।